जीरा, और साथ ही हम ये कसूरी मेथी होती है ना जो, कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, और ये धनिया, धनिया मैंने धनिया पाउडर की जगह में मैंने ऐसे धनिया डाल दी है कड़ी में ना, ये धनिया डाल दिया है मैंने ऐसे, देखो जिस तरीके से। फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर डाल देंगे ब्रीक कटा हुआ लहसुन और इसको कड़ी पत्ता, तो किस तरीके से अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, एंड अभी हमें चाहिए वेजिटेबल, यहाँ पर हमने लिए हैं ऑनियंस, पोटैटो एंड लाइक जिंजर एंड टोमेटो एंड ग्रीन चिली, सो ये सारी हम वेजिटेबल्स डाल देंगे, पहले हम प्याज डालेंगे, मुझे तो प्याज और ना आलू वाली बहुत पसंद है, मुझे पकौड़ों वाली ही अच्छी लगती है, प्याज और आलू वाली बहुत टेस्टी बनती है, और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने भून दिया इसको अच्छी तरह से, आप भी ऐसे थोड़े से प्याज को ना उस ब्राउन से होने देना, जैसे अब ये हमारे हो गए हैं बहुत अच्छी तरह से, अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये टोमेटो एंड ग्रीन चिल्ली, तो बस ऐसे हमने डाल दिया, अब हम इसके अंदर पोटैटो डाल देंगे, तो बस सारी डाल दो, अगर आप बीन्स भी डाल सकते हो इसके अंदर, जिंजर भी डाल देंगे, अगर आपको वेजिटेबल वाली ज़्यादा पसंद है कड़ी तो आप बीन्स भी डाल सकते हो इसके अंदर, मटर गोभी कुछ भी डाल सकते हो, तो इस तरीके से हमें सारा इस कर देना मिक्स लाइक इस तरीके से, अब हम इसको पकने देंगे, ठीक है ऐसे मिक्स करते रहो, और हम इस गैस को सिम पर रखेंगे, ठीक है जैसे हमने रखा हुआ है, बस इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे हम। तो फ्रेंड्स हमने अभी लस्सी ले लिया, लस्सी के अंदर हम डाल देंगे बेसन, ठीक है, तो हमने ये बेसन डाल दिया है, आपको मतलब अपने हिसाब से डालना, जितना आपने दही लिया हो लस्सी ली है, ठीक है उसके हिसाब से डालना बेसन, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें नमक मिर्च डालेंगे सब कुछ, इसके अंदर नमक मिर्च सब कुछ डाल देंगे, ठीक है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी ये धीरे धीरे ये देखो ब्राउन हो रही है, ठीक है प्याज और ये सारे कुक हो रहे हैं, और ये रेसिपी आप घर पर ट्राई ज़रूर करना, जो हमने आपको बिरयानी बनाने सिखाई थी वो आपको अगर आपने ट्राई की थी तो बहुत टेस्टी बनी होगी ना, तो वैसे ही ये भी बहुत टेस्टी बनेगी। अब हम मम्मा ने लस्सी के अंदर डाल दिया नमक, बेसन को अच्छी तरह से मम्मा ने मिक्स कर दिया था, अब मम्मा ने डाल दिया इसके अंदर हल्दी थोड़ी सी, एंड मम्मा ने डाल दिया है थोड़ी सी ये देगी मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर, ठीक है अभी हम इसको सबको मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से हो गया कुक, अभी जो हमने ये लस्सी का टेक्सचर डाला था उसको हम डालेंगे, तो इसको अच्छी तरह से ये मेरे हो गए हैं कुक, ठीक है एंड अभी जो हमने ये लस्सी का टेक्सचर अच्छी तरह से बना लिया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी हमने जो लस्सी का टेक्सचर बनाया था उसको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, पानी भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको सो बोला नहीं आता तो हम कड़छी भी बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसे रहने देंगे। मम्मी इसको मिक्स भी नहीं करना, मिक्स तो करना है अंदर ही, अंदर लाना बाहर नहीं निकालना। सो चलो मैं इसको भी मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से, सो अच्छी तरह से ऐसे ही होता है ना कड़ी का कलर, तो इसलिए आप ही करो, मैं हिलाती हूँ। अभी हमने थोड़ी सी लस्सी और थी वो भी डाल ली है और थोड़ा सा पानी, अगर आपके पास लस्सी हो तो आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अभी इसको पकने देते हैं हम थोड़ी देर। सो फ्रेंड्स अभी कड़ी बनने अभी बन रही है, सो कड़ी बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सो अभी इसको बस ऐसा
थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ठीक है वैसे तो बहुत टाइम लगता है, भी काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है सो फ्रेंड्स अभी ये बन गया है, मतलब बना नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी ये कुक तो हो गया है। और फ्रेंड्स इसके साथ रोटी भी अच्छी लगती है, चावल भी अच्छे लगते हैं। ठीक है सो फ्रेंड्स आप ना मम्मा की स्टाइल की कड़ी बनाना, शायद आप ऐसे ही बनाते हो बट मम्मा की जो हाथ की बनती है ना बहुत टेस्टी बनती है, सो आप भी ये ट्राई करके देखना। सो फ्रेंड्स हमारी कड़ी बनकर तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी बनती है। सो अभी ये रेडी हो गई है बनकर, ठीक है सो बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।